राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में बोकारो पहुंची केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब से गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है तब से कांग्रेस पार्टी को यह हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का काम ही आरोप लगाना है। कानून ने अपना काम किया है और सभी लोग कानून को मानते हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है वह कानून के दायरे में हुई। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं तब से लगातार देश आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है। प्रधानमंत्री विश्व में सबसे मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, शायद ये कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। और जो भी कार्रवाई हुई है कानून के तहत हुई है, कानून सम्मत हुई है और कानून अपना काम करती है। हर कोई इस चीज़ को ये कहता है कि कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन वो भी जो कोर्ट जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया जो भी वांछित प्रक्रिया अपनाते हुए ये सारे काम हुए हैं। और निश्चित रूप से जो ये कांग्रेस का हमेशा से रहा है, ये तो एलिगेशन लगाने की इनकी आदत सी पड़ गई है, लेकिन कुल मिला के देखें तो किसी को भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शायद रास नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से आज देश ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर सबसे सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं और पूरा विश्व आज भारत को देखता है, किसी भी कठिन परिस्थिति में भारत की ओर लोगों की निगाही होती है। और बेशक जब से 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व के स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनी है और निश्चित रूप से आज देश आगे बढ़ रहा है। न्यूज विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।